हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज मिनी शॉर्ट सीरीज में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो कम से कम टाइम लेते हुए हम आज पूरा चैप्टर जो है बच्चों उसे रिवाइज कर लेंगे। सारे के सारे की पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पर देख लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग। तो बच्चों, कुछ सेट ऑफ फीचर आपके माइंड में आएंगे जिसके बेसिस पे आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो सारे फीचर्स जिनकी बेसिस पे लिविंग नॉन लिविंग को हम डिफरेंशिएट करते हैं उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। बताओ कौन कौन से फीचर आपके माइंड में आ रहे हैं जिसकी बेसिस पे आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हो। तो आपके माइंड में आ रहा होगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, यही तो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। इनके अलावा कुछ और फीचर्स यदि आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ डुप्लीकेशन। तो ऐसे फीचर से बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं कॉमनली, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बट यदि इसमें भी हम बात करें कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, तो वो फीचर जो एक्सक्लूसिवली यानी बहुत ही स्पेसिफिकली सारे लिविंग्स में प्रेजेंट है और सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट है, यदि ऐसा कोई फीचर होगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोल देंगे डिफाइनिंग फीचर। तो बच्चों, डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस। तो ये क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि बच्चों यदि हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको पता है कि ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं, भले वो एक्सट्रिंसिक होगा लेकिन प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ लिविंग हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल बताओ, आपके माइंड में एग्जाम्पल होगा वर्कर बी का, आपके माइंड में एग्जाम्पल होगा स्टराइल ह्यूमन कपल, म्यूल आप सोच रहे होगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसका मतलब सारे लिविंग जो हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो क्या एक्सेप्शन आ गया, क्या हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। और बच्चों, ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो भी आपको ध्यान रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है या सिनोनिम्स है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक के रिलेटेड और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रिलेटेड। देन बच्चों, इसके बाद यदि हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो अर्थ पे प्रेजेंट है, जो रिकॉर्डेड है, IUCN की डेटा में पड़ा हुआ है इनका नाम। ठीक है, और यदि हमको इसकी स्टडी करनी है तो कैसे स्टडी करोगे, ये तो एक बड़ा ही मुश्किल टास्क हो जाएगा। इसी को आसान बनाने के लिए जो प्रोसीजर यूज करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इन कन्वीनियंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। और बच्चों, यदि ऐसा करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और उसकी स्टडी को ही हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज टैक्सोनॉमी। एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो है बच्चों उसमें आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बच्चों, जब हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फीचर्स को यूज कर सकते हैं। यदि स्टार्टिंग की बात करें तो कुछ ही फीचर्स को यूज करते थे तो उसे हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोलते हैं, जो कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। लेटर ऑन क्या आया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स यूज होने लगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इसके अंदर फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो टैक्सोनॉमी में जो नॉमिनक्लेचर वाली प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि ये किसने दिया था, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और बच्चों, इसके नेमिंग के, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, यूनिवर्सल नेम है, इसको फॉलो करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो हैं उसे यूज किया जाता है। और इसे कौन कंट्रोल करता है, ICBN फॉर प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एनिमल के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ कोड जो हैं वो होते हैं। ठीक है, और यहां पर जब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं बच्चों, तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेम कितने वर्ड से बना होगा, 2 वर्ड से बना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बच्चों, मेंजीफेरा
इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका ये नाम है। अब मेंजीफेरा इंडिका नेम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स एंड फर्स्ट वर्ड हियर रिप्रेजेंट द जीनस, पहला वर्ड क्या है जीनस एंड द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सो व्हाट आर द रूल्स, रूल्स आर दैट द वर्ड शुड बी फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, इफ इट इज यूज फ्रॉम अदर लैंग्वेज देन क्या करना होगा, यदि दूसरे लैंग्वेज से वर्ड ले लोगे क्या करोगे बच्चों, बच्चों आप इसे लैटिनाइज कर दोगे कुछ इस तरीके से कि ग्रामेटिकली ये लैटिन ओरिजिन का लगे, ठीक है। और दोनों वर्ड को क्या करना होता है, इटैलिक्स फॉन्ट में टाइप करना होता है, प्रिंट करना होता है। और यदि हैंड रिटन कंडीशन है, जैसे मान लो मैंने हाथ से लिखा, तो अब क्या करेंगे हम, बोथ द वर्ड शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ये इंपॉर्टेंट बात है। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या होंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में होंगे, क्लियर। देन अब इसके बाद में क्या होगा कि ऑथर के नेम की बात करेंगे कि ऑथर जिन्होंने ये नाम दिया लिनियस, तो लिनियस ने नाम दिया तो उनका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में आएगा। और कैसे लिखेंगे उसको, लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, रोमन फॉन्ट में टाइप किया जाएगा, ठीक है, रोमन फॉन्ट में टाइप किया जाएगा, अंडरलाइन नहीं करना है इसे, या तो कंप्लीट नेम हो सकता है या एब्रिगेशन फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, और यहां से नीट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, इसीलिए रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, तो सिस्टमैटिक वर्ड जो है बच्चों वो लिनियस ने दिया था अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर। और ये सिस्टमैटिक क्या है बच्चों, एडवांस फॉर्म है, जहां पर हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो कर रहे हैं साथ में इंटर रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके बीच में, हम जो भी डाइवर्सिटी है उसकी स्टडी की और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, किस बेसिस पे एस्टेब्लिश किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटीज, उनके बीच में आपसी समानताएं कितनी है उसकी बेसिस पे हमने इंटरलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, कि फाइलोजेनी को इंक्लूड करते हुए, यानी यहां पर फाइलोजेनी जो है बच्चों उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो उसे बोलते थे सिस्टमैटिक्स। देन बच्चों अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं चैप्टर के, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जब भी आपने कोई ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन लिखा तो क्लासिफिकेशन लिखते टाइम कुछ कैटेगरीज आप जरूर से यूज करते हो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं, 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं बच्चों, किंगडम, फाइलम और डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी, ये 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। और बच्चों इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट जो है उसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, स्पीसी से लेकर के किंगडम तक गए, तो कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। यदि हम किंगडम से लेकर स्पीसीज तक जाएं तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर बच्चों जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आएगा, जो कि सिमिलैरिटी की बेसिस पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसे हम क्या बोल देंगे, टैक्सोन बोल देंगे। एग्जाम्पल लू क्या, एग्जाम्पल ले सकता हूं कि किंगडम है, मान लो आपने यहां पर देखा कि कुछ किंगडम के नाम आप जानते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जानते हो सब बच्चे। तो यहां पर मान लो मैं बात कर रहा हूं किंगडम एनिमिलिया की, तो किंगडम एनिमिलिया के मेंबर जो है वो ग्रुप हुए हैं किसके बेसिस पे, कुछ पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे, कौन से हैं वो फीचर, लाइक उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, सब यूकैरियोट है, मल्टी सेलर है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कॉमनली देखने को मिलता है। तो ऐसे सब फीचर के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो एनिमेलिया क्या हो जाएगा, टैक्सोन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में स्पेसिफिक जो ग्रुप और ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पे उसे हम टैक्सोन बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात। इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में यदि मैं आपको पूछूं मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, जो ग्रुप है उसके अंदर मैक्सिमम सिमिलैरिटी किस कैटेगरी में देखने को मिलेगी बच्चों, तो आप बोलोगे स्पीसीज में। मिनिमम सिमिलैरिटी कहां पर मिलेगी, किंगडम के अंदर मिलेगी। तो ये यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो कि मिस नहीं करना है, कि स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैविंग मैक्सिमम सिमिलैरिटी, शेयर स्पेसिफिक फीचर्स इन कॉमन, व्हाइल किंगडम has very low amount or less amount of similarities in common and share only general features in common, okay? तो ये बात जरूर से यहां पर ध्यान रखना। अब इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बच्चों यदि हम स्पीसीज की बात करते हैं, तो स्पीसीज जो है उसको किसको बोलते हैं हम स्पीसीज,
स्पीसीज जो होता है वो तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म है। एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप बोल दोगे स्पीसीज, फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप स्पीसीज होता है। लेकिन बच्चों अंस्टमेयर जो है एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिन्हें हम 21st सेंचुरी का डार्विन भी बोलते हैं, तो अंस्टमेयर ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई ये स्पीसीज को हमें क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसे तो नेचर ने ही एक ग्रुप में नेचर ने ही एक ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक वे में रख दिया है जो कि दूसरों से डिस्टिंक्ट है। और उसका क्राइटेरिया क्या है बच्चों, उसका क्राइटेरिया है उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अंस्टमेयर ने क्या किया, स्पीसीज को कुछ ऐसे डिफाइन किया कि स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ मेंबर्स विच आर इंटरफर्टाइल, वो आपस में क्या कर पा रहे, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इंटरफर्टाइल एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सो दे कैन परफॉर्म इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो उस ग्रुप को ही हम क्या बोल देते हैं, उन्हें ही हम एक स्पीसीज में रख देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे हम स्पीसीज को डिफाइन कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो बच्चों ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम जो है वो नेम से भी आपको पता पड़ जाएगा कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला पेंथेरा लियो, तो पेंथेरा लियो किसका है, लायन, लायन का ही तो क्या है नेम है, कौन सा नेम, जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, तो ह्यूमन स्पीसीज का नेम क्या होगा, होमो सेपियंस, क्या होगा, होमो सेपियंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नेम देखते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम एक स्पीसीज है, नाम बताओ कौन है ये सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटेटो है। ऐसे ही मैं बात करूं कि एट्रोपा बेलाडोना क्या है, एक स्पीसीज है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पीसीज का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम भी होता है। फिर सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप जीनस, सिमिलर जीनस का ग्रुप फैमिली, सिमिलर फैमिली का ग्रुप क्या हो जाएगा ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर मिलके क्लास बना देंगे, सिमिलर क्लास मिलके फाइलम या डिवीजन बना देंगे। एनिमल में हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं और प्लांट में क्या यूज करते हो, डिवीजन यूज करते हो। और सिमिलर फाइलम या डिवीजन का ग्रुप जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा किंगडम, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज होती है। और यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए हैं क्लासिफिकेशन के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये, जैसे हम ह्यूमन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो ह्यूमन का यदि हम बायोलॉजिकल नेम देखते हैं तो होमो सेपियंस जीनस होमो फैमिली होमिनिडी, और ऑर्डर जो होगा बच्चों वो प्राइमेटा क्लास मेमेलिया, और फाइलम या डिवीजन जो है वो कॉर्डेटा होगा, फाइलम कॉर्डेटा होगा नॉट डिवीजन, डिवीजन हमको प्लांट के लिए ही यूज करना है बच्चों। और किंगडम जो है वो क्या होगा, एनिमेलिया हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। सिमिलरली इफ यू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, इट इज मस्का डोमेस्टिका, सो जीनस इज मस्का, फैमिली इज मस्किडी, ईडी लग गया है बच्चों, एंड क्लास जो है सॉरी फैमिली जो है बच्चों मस्किडी, देन ऑर्डर जो है वो डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा, और किंगडम एनिमेलिया होगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंगो के लिए मेंजिफेरा इंडिका, तो जीनस क्या होगा, मेंजिफेरा, फैमिली क्या होगी, एनाकार्डिएसी हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेपिंडेल्स हो जाएगा, ठीक है। और क्लास डाइकॉट है कि मोनोकॉट, डाइकॉट है, डिवीजन जो है वो एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, किंगडम प्लांटी। बिल्कुल ऐसे ही एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है वीट का क्लासिफिकेशन, वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो जीनस क्या हो जाएगा ट्रिटिकम, फैमिली कौन सी हो जाएगी पोएसी, पोएसी फैमिली का मेंबर है बच्चों, और ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स, ठीक है। क्लास मोनोकॉटिलिडनी, और डिवीजन जो है वो एंजियोस्पर्मी, किंगडम प्लांटी। तो ये क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर से ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। अब इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर जो भी चीजें हमें हेल्प कर रही है उन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स। क्या हो सकते हैं टैक्सोनॉमिक एड, क्या टैक्सोनॉमिक एड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल या प्लांट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या इसके अंदर कुछ प्रिंटेड मटेरियल भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या इसके अंदर हम रख सकते हैं कुछ डेड ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, यस। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें टैक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्प कर रही है उससे हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जो हमारी बुक में दिए हुए बच्चों वो क्या क्या है, वो हो सकता है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम की,
फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सारे के सारे क्या हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। क्लियर बात? तो अब यहां पर यदि हम बात करते हैं कि हर्बेरियम, जिसको कि हम टैक्सोनॉमिकल एड बोल रहे हैं, तो क्या है बच्चों? ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर प्लांट स्पेसिमेन रखे होते हैं। बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन जो है उनको हर्बेरियम शीट के ऊपर माउंट करके रखा हुआ होता है, क्विक रेफरल सोर्स की फॉर्म में यूज होता है। ठीक है? और यहां पर बच्चों जो लोअर लेफ्ट और लोअर राइट कॉर्नर होगा, वहां पर कुछ लेबलिंग होगी, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी होगी, जैसे डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, स्पेसिमेन कलेक्टर, देन प्लांट का बॉटेनिकल नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, फैमिली। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर लिखी होती है, क्विक रेफरल सोर्स की फॉर्म में यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉटेनिकल गार्डन की बात करें, बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, किस लिए? उनके ऊपर क्या हुआ, उनका बॉटेनिकल नेम वगैरह भी लेबल्ड है, एजुकेशन की पर्पस के लिए, स्टडी की पर्पस के लिए, इवन एक्सिटू कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। यानी यदि हमें पता पड़े कि वाइल्ड हैबिटेट में कोई प्लांट लॉस्ट होने वाला है, उसके सीड लेके आए, वहां पर उगा दिया, क्या कर रहे हैं हम? कंजर्वेशन कर रहे हैं। किस टाइप का कंजर्वेशन हुआ? एक्सिटू कंजर्वेशन हुआ, तो उसमें भी हेल्प करता है। म्यूजियम की बात कर लें, तो म्यूजियम वो प्लेस है बच्चों जहां पर स्पेसिमेंस रखे होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। यदि लार्ज एनिमल है, स्टफिंग करके रख दिया, बर्ड है लार्ज, स्टफिंग करके रख दिया। यदि स्मॉल इंसेक्ट है बच्चों, तो क्या करते हैं, सीधे ही इंसेक्ट बॉक्स में पिन लगा करके रखते हैं, वहां पर कुछ स्केलेटन वगैरह भी रखे हुए हो सकते हैं। ठीक है? और साथ में यदि हम देखें कि कोई छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो एक ग्लास होता है बच्चों, उसके अंदर फॉर्मेलिन होता है, उस फॉर्मेलिन में प्रिजर्व्ड करके उसको रखा होता है डिस्प्ले के लिए, ताकि हम स्टडी कर पाए। तो ये म्यूजियम का फंक्शन होता है। ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क की बात करें बच्चों, तो जूलॉजिकल पार्क वो जगह है जहां पर एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके हम रखते हैं। ठीक है? और उसकी स्टडी कर सकते हैं, बिहेवियर, फूड हैबिट, रिप्रोडक्शन, इन सब की स्टडी की जा सकती है। रेगुलर चेकअप वगैरह भी एनिमल्स का होता है, तो एक्सिटू कंजर्वेशन में भी ये हेल्पफुल होता है बच्चों। यानी वाइल्ड हैबिटेट में कोई एनिमल, हमने देखा कि वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, क्या कर सकते हैं, उन्हें हम लाके जूलॉजिकल पार्क में रख सकते हैं, रेज करेंगे, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, और फिर उसे वापस से ले जाके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। देन की बात करें, तो बच्चों की एनालिटिकल नेचर का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। की क्या है? एनालिटिकल नेचर का है, कोई फीचर, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन, दो अल्टरनेट ऑप्शन है। जैसे मान लो एक प्लांट है, और आपको क्लासिफाई करना है कि बताओ ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, कैसे क्लासिफाई करोगे? तो सिंपल तरीका है, आप देख लोगे कि क्या इसके अंदर लीफ पैरेलल वेनेशन वाली है या रेटिकुलेट वेनेशन वाली है। पैरेलल है तो मोनोकॉट, रेटिकुलेट है तो डाइकॉट। ऐसे अदर फीचर्स भी आप यूज कर सकते हो, लाइक रूट है, टैप है, या फाइबरस रूट है, या फिर आपने सीड के अंदर कॉटलीडन कितने हैं वो देख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनका कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन है। किसके लिए यूज कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? की बोल देते हैं। तो की जो है वो इस टाइप के फीचर होंगे। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है बच्चों, इन्हें हम कपलेट बोलते हैं। और इसके अंदर कपलेट का वो ऑप्शन जो हमें ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, वो क्या होगा? वो होगा लीड, उसे हम बोलेंगे लीड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप ध्यान रखना। देन फ्लोरा बुक है, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो प्लांट मिलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है, प्लांट्स का इंडेक्स दिया होता है, और उसके अकॉर्डिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाता है। मैनुअल की यदि हम बात करें, सेम बुक है बच्चों, जिसके अंदर हमने क्या देखा, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो प्लांट मिलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, बट मेनली कौन से फीचर्स दिए होंगे? आइडेंटिफिकेशन वाले फीचर दिए होंगे। और मोनोग्राफ, मोनोग्राफ एनिमल के लिए भी हो सकता है, प्लांट के लिए भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर टैक्सोन की इंफॉर्मेशन जो होती है वो मोनोग्राफ के अंदर होती है, और कैटलॉग भी बच्चों एक बुक होती है जिसके अंदर एनिमल या प्लांट की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यानी ए से जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें भी अल्फाबेटिकल, जैसा कि डिक्शनरी में आप लोग देखते हो, बिल्कुल उसी तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके उनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कैटलॉग बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस मिनी शॉर्ट में कवर कर लिए हैं बच्चों। ऐसे ही और भी चैप्टर्स जो है उसके साथ में हम मिलते रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।